नोएडा एक्सप्रेसवे क्षेत्र के सेक्टर 134 स्थित एक सोसाइटी में रहने वाले दिल्ली पुलिस में तैनात एसीपी के घर में गुरुवार देर रात अज्ञात बदमाशों ने गोलीबारी कर दी, जिसके चलते उनके फ्लैट के शीशे टूट गए हैं। इस घटना के वक्त उनके घर पर उनकी मां और बहन मौजूद थी। इस मामले में नोएडा के अपर पुलिस उपायुक्त रणविजय सिंह ने बताया है कि दिल्ली पुलिस में तैनात एसीपी नोएडा के जेपी कॉस्मोस सोसाइटी में अपने परिवार के साथ 17वीं मंजिल पर रहते हैं। वहां गुरुवार देर रात को उनके घर पर अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ कई राउंड गोलियां चलाई। देखिए, थाना एक्सप्रेसवे के एसएचओ को कल रात में सूचना मिली लगभग 12:45 के आसपास कि उनके थाना क्षेत्र में एक सोसाइटी है। उस सोसाइटी में एक व्यक्ति रहते हैं, उनके घर के किसी एक कमरे किसी से टूट गए हैं और उसमें ये बताया गया कि संभवतः फायर वगैरह के चलते घर के शीशे टूटे हैं। इस पर तत्काल वहाँ से चो गए और उन्होंने सब आसपास से पूछताछ की है। पूछताछ में जो बातें निकल के आई है उसमें एक कोई व्यक्ति है जो काफ़ी दिनों से उस एरिया में घूमता है। गार्ड्स ने उनको नोटिस किया है। वो लगभग 5-7-10 दिनों से उस सोसाइटी के इर्द गिर्द में वो किसी ब्लैक स्कॉर्पियो में घूमते रहते हैं और उनका जो बिहेवियर है वो एक सिरफिरे की तरह है और संभवतः उसी के द्वारा ये फायर वगैरह किया गया होगा, जिसके चलते ये गोली जा करके वहाँ 17वीं मंजिल पे उनका मकान है उसमें जाके गोली लगी है। हम लोग उस युवक के बारे में आसपास के सीसीटीवी फुटेज वगैरह से आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं और उसके बाद हमको लगता है कि संभवतः उसी लाइन पे ये चीज़ें बाद में निकल के आएंगी। और उस परिवार के एक अफसर हैं जो दिल्ली पुलिस में हैं, उन्होंने भी आकर के सब चीज़ों को देखा है। उनको भी सूचना मिली थी, मौके पे आए थे, उन्होंने देखा था और संभवतः जो हम लोग के ऑब्जर्वेशंस हैं उसी से मिलता जुलता उनकी भी फाइंडिंग्स हैं। हम लोग उसमें उस युवक को लोकेट करने का प्रयास कर रहे हैं और जो भी एविडेंस मिलेगा उसके हिसाब से काम करवा करें। साथ ही रणविजय सिंह ने बताया कि कुछ दिनों से सोसाइटी में एक काले रंग की कार पर सवार होकर एक युवक रोजाना आ जा रहा था। पुलिस को शक है कि उस व्यक्ति ने ही एसीपी के घर पर गोलियां चलाई है। मामले की जांच चल रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। नोएडा से कौसर आलम की रिपोर्ट।